ये कांग्रेस का राज है या गुंडा राज? कांग्रेस गौरव दिवस मना रही है और उसके नेताओं की हत्या हो रही है, ये कैसा गौरव है? छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने बिलासपुर में कांग्रेस नेता व जिला महासचिव संजू त्रिपाठी की हत्या की घोर निंदा करते हुए कहा है कि कांग्रेस गौरव दिवस मना रही है और इसके नेताओं की हत्या हो रही है, ये कैसा गौरव है? ये कांग्रेस का राज है या गुंडा राज है? विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कौशिक ने कहा कि कांग्रेस नेता पर फिल्मी अंदाज में गोलियों की बौछार कर सरेआम हत्या कांग्रेस के जंगल राज का प्रमाण है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में अपराधी बेखौफ होकर जघन्य अपराध कर रहे हैं, राह चलते गोलीबारी कर रहे हैं, लोगों को उड़ाया जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि यहां सरकार जैसी कोई संस्था रह ही नहीं गई है। सरकार के नाम पर एक ऐसा ढांचा खड़ा है जिसमें चेतना शक्ति और संवेदना नहीं है। कांग्रेस गौरव दिवस मना रही है और कांग्रेस नेताओं की हत्या हो रही है, ये कैसा गौरव दिवस है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है, अपहरण की घटनाएं हो रही है, लूट की घटनाएं हो रही है, और जिस प्रकार से आज बिलासपुर में कांग्रेस नेता की हत्या हुई है, तो यहां पर कांग्रेस की सरकार चल रही है कि गुंडा राज चल रहा है? और देखने के से तो यही अब लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि गुंडा राज कायम है, और यही स्थिति यदि रहेगी तो जब कांग्रेस के नेता यदि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होंगे, ये सबसे बड़ी प्रश्न है। जिस प्रकार से ये पहली घटना नहीं है, सराफा व्यापारी को लूटा गया, इसके पहले रायपुर में अपहरण की घटनाएं हुई, जहां मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वहां पर सराफा के यहां जाकर के जो घटना को अंजाम दिए, पूरे प्रदेश में कमोबेश में यही स्थिति है। जब राजधानी और न्यायधानी आपके सुरक्षित नहीं है तो पूरे प्रदेश में हम बस्तर और सरगुजा की हम क्या बात करेंगे, और आज लगभग पूरे प्रदेश में यही स्थिति को लेकर के लोग महसूस करने लगे हैं कि इस सरकार के राज में कोई सुरक्षित नहीं है। जब कांग्रेस के नेता की हत्या हो रही है तो बाकी लोग अपेक्षा कैसे करेंगे।